दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम ये सनरूम हीटर है आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो यहाँ से पावर देंगे दोस्तों, ये ऑन नहीं हो रहा है और ये स्विच ऑन करते हैं तो ये मूव कर रहा है और ये जल नहीं रहा है, हीट नहीं हो रहा है। तो इसी को ठीक करके आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले पावर निकाल लेंगे और यहाँ से आपको दिखाते हैं ये पीछे जो ढक्कन होता है, कवर होता है, इसको स्क्रूप हुआ है जो बारी बारी स्क्रूप को खोल लेंगे और ये ढक्कन निकाल लेंगे और यहाँ से आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कैसे चेक करना है। इसका मोटर ओके है, मेन प्रॉब्लम एलिमेंट का है जो रॉड है। तो ये जो रॉड वाला वायर है, एक वायर यहाँ से कट कर लेंगे और कट करके इसका वायर साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके इसको चेक करके आपको दिखाते हैं कैसे चेक करना है। तो इसको हम सीरीज पर लगाएंगे और एक वायर जो रॉड का है स्विच पर है और एक रॉड इधर टेस्ट करेंगे। तो ये बता नहीं रहा है दोस्तों, इसका रॉड ख़राब हो गया है जिसके कारण ये हिट नहीं हो रहा है। तो इसमें नया रॉड लगा के और बैठा के कनेक्शन करके सब कुछ दिखाएंगे। तो ये जो नेट है यहाँ से लॉक पर होता है, इसको निकाल लेंगे और इसको घुमा लेंगे और जो दूसरा वायर है यहाँ से कट कर लेंगे एलिमेंट वाला और इस वायर को यहाँ से खींच लेंगे, बाहर कर लेंगे। ये निकल गया। अब हम ये ख़राब रॉड को निकालेंगे। तो कैसे निकालना है गौर से देखिएगा। और नीचे दो स्क्रूप होता है, ये दोनों स्क्रूप को हम बारी बारी खोल लेंगे, खोल के अलग कर लेंगे तो ये नेट अलग हो जाएगी और जो प्लेट है रॉड वाला अलग हो जाएगा। अब इस रॉड में दिखाते हैं आपको, ये जो तीन खुंटी है क्लिप है इसको सीधी करेंगे, यहाँ से सीधी करके और इस क्लिप को निकालेंगे तीनों को, तो ये रॉड आपका बाहर हो जाएगा और रॉड में से ये जो तीनों क्लिप को हम बाहर निकाल लेंगे। ये रॉड आपका बाहर हो गया, ये ख़राब हो गया दोस्तों, ये अंदर से फॉल्ट होकर ख़राब हो जाता है। तो अब ये नया वाला कार्बन रॉड लगाएंगे जो बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसका जो वायर है यहाँ से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करके आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो जब भी आप लगाइएगा तो चेक करके लगाइएगा तो बेहतर है। तो इसको यहाँ पे सीरीज पर चेक करेंगे यहाँ से, तो ये रॉड बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। तो इसको आप सेट करेंगे तो इस रॉड में जो क्लिप है ये तीनों को यहाँ पे डाल लेंगे, बारी बारी डाल के और इस प्लेट पर सेट करेंगे। जो प्लेट है अब ये दो तीनों क्लिप है इस होल में डालेंगे यहाँ पर बारी बारी और इसको बराबर बैठा लेंगे और इसको लाट के जो पिन है इसको दबा देंगे। ये सारी पिन को हम बारी बारी अच्छी तरह से दबा देंगे तो ये रॉड आपका सेट हो जाएगा। ये हो गया बिल्कुल ओके। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम जो नेट है इसमें टाइट करेंगे, तो यहाँ पे आप बीच में लगा के और इसको घुमा के और जो दो ऊपर स्क्रूप था उसका होल सामने मिला के देख के और दोनों स्क्रू को हम यहाँ पे टाइट कर देंगे, बारी बारी स्क्रू को टाइट कर लेंगे। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। हो गया, अब ये ऊपर का प्लेट लगा के इसको टाइट कर लेंगे। ये हो गया बिल्कुल रेडी। ये जो रॉड का वायर है इसको बड़ा करेंगे, ये छोटा है तो इसको इसमें वायर जोड़ेंगे। तो दो वायर लेंगे और दोनों वायर को यहाँ से हम इसको में जोड़ लगा के इसको बड़ा कर देंगे। ये हो गया। दूसरा वाला इसी तरह भी इसको बड़ा कर लेंगे और इसमें स्लिप लगा देंगे, जोड़ पर बैठा देंगे ताकि कोई स्पार्किंग वगैरह ना हो। तो एक स्लिप लगा देंगे, दूसरे में ये भी स्लिप डाल के इसको बैठा लेंगे। ये ओके हो गया। अब इसको बॉडी में सेट करेंगे यहाँ पे, तो ये जो प्लेट है निकाल लेंगे और इस प्लेट में होल होता है तो ये दोनों वायर को यहाँ से डालेंगे और इधर से निकाल के और फिर यहाँ पर बॉडी में एक पाइप लगा होता है तो इस पाइप में वायर डालेंगे और इधर से यहाँ से वायर को खींच लेंगे, खींच के और इस प्लेट को जो बड़ा वाला है इसको घाट पे लॉक पे लग बैठा देंगे और इस नेट को घुमा के इसको लॉक पे अच्छी तरह से बैठा देंगे। ये हो गया। और ये वायर है इसको जो पाइप है खींच लेंगे और इस पाइप को यहाँ पे बैठा लेंगे और जो वायर है यहाँ से होल से निकाल लेंगे। ये वायर आपका ऊपर आ जाएगा, तो जो रॉड वाला वायर है ऊपर आ गया। अब इसका कनेक्शन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो वायर है इसको कट कर लेंगे जो मेन पावर वाला है और जो ये मोटर वाला वायर है इसको साफ़ कर लेंगे और ये जो मेन पावर वाला लाल वाला है इसको भी साफ़ कर लेंगे और ये रॉड वाला वायर और एक मेन पावर वाला लाल वाला वायर और एक मोटर का वायर, ये तीनों आपस में ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, अच्छी तरह से मड़ देंगे और इस पर हम टेप लगा देंगे सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर टेप से अच्छी तरह से इसको लपेट के हो गया। दूसरा वाला जो मेन पावर है काला वाला, तो इसको रॉड पर ये दोनों आपस में टाइट कर देंगे और इस स्विच पर ये क्लिप होती है इसको निकाल लेंगे
और इसका मुंह जो है दबा है तो यहाँ से खोल लेंगे, खोल के साफ़ कर लेंगे और इस वायर को यहाँ पे जो काला वाला वायर है इसको यहाँ पे दबा देंगे, इसको अच्छी तरह से पिन को दबा देंगे, ये दब जाएगी, ये हो गया। अब इस क्लिप को यहाँ पे स्विच पर बैठा देंगे, इसका वायर कनेक्शन हो गया मोटर का और रॉड का, बिल्कुल ओके। अभी ऊपर का कवर लगा के यहाँ पे बैठा देंगे और जो सारे स्क्रू है इसको टाइट कर लेंगे। अब आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, तो यहाँ से हम सीरीज वाला पावर देंगे, बल्ब ग्लो कर गया, ओके। अब आपको मेन पावर से दिखाते हैं, यहाँ से मेन पावर दिए, देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ओके। वीडियो अच्छी लगी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।